माँ स्कूल नहीं जाऊंगी, रोज मरना पड़ता है, रास्तों से नहीं निगाहों से गुजरना पड़ता है। ये दो लाइनें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आज हमारे देश में बेटियों का क्या हाल हुआ पड़ा है, वो किन किन निगाहों से गुजरती हैं, किन किन परेशानियों का शिकार होती हैं। और इन्हीं बातों को समझाने के लिए आज हमारे साथ एक कवि हैं, मिस्टर अनिल सिंघानिया। मैं उनको पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि ड्रीम्स नेवर डाई की सेकंड सीरीज़ में उन्होंने भाग लिया और अपनी बातें रखने के लिए हमारे पास आए। अनिल सिंघानिया जी हरियाणा के एक बहुत बड़े कवि हैं, जिन्हें ना कुछ कहा जाए तो हरियाणा गौरव सम्मान से नवाजा गया और बहुत सारी संस्थाओं ने उन्हें अपने आप ऑनर प्रेजेंट किया। तो आइए मिलते हैं आज अनिल सिंघानिया जी से ड्रीम्स नेवर डाई में। वेलकम अनिल जी टू द शो ड्रीम्स नेवर डाई। थैंक्स मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक बहुत ऊंचाइयां बुलंदियां हासिल की हैं, बजाय कि मैं बताऊं थोड़ा सा आप अपने आप शेयर करें कि आप क्या करते हैं। थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, आप लोग उसको अच्छा कह के सुन लेते हैं, ये आप सबका एहसान है मेरे ऊपर। और आप अभी फिलहाल कविताएं लिखते हैं? हाँ, फिलहाल एक चैनल है एनडी हरियाणा, उसके साथ काम कर रहा हूँ। बाकी सोशल मीडिया पे आप लोग सराह रहे हैं, एक एल्बम कभी किसी ज़माने में टी सीरीज़ में की थी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ जाननी है, आपने बताया कि कॉलेज से आप टी सीरीज़ में लिख रहे हैं, तो पढ़ाई आपने क्या की? मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ एक्सीडेंटल। अच्छा। उस समय एक दौर था कि सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमने भी किया, किंतु अब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाता तो मैं ये नहीं होता जो मैं आज हूँ। उस इंजीनियरिंग कॉलेज ने मुझे बहुत एक्सपोजर दिया, या दिया या लिया, मतलब एक अलग बात है, बट मैंने जो तरक्की अपने आप की वहाँ पर, जम के थिएटर किया उस टाइम में, जम के पोइट्री की। एक समय ऐसा था कि मैं साइकिल स्टैंड में, मोटरसाइकिल स्टैंड में खड़ा होता था, मैं कविताएँ पढ़ता था और आधा को ही जाता था। अच्छा। वो एक दौर था जहाँ से मेरे को लगा कि यार जो तू बोल रहा है वो लोग सुन रहे हैं। और बस फर्स्ट ईयर से मैंने शुरू किया था, सेकंड ईयर तक आते आते तो मैं प्रोफेशनल कलाकार हो गया था, कॉलेज वॉलेज जाता नहीं था। अच्छा। जब जाते थे तो हम सेलिब्रिटी की तरह कॉलेज जाते थे, मेरे सब दोस्त बहुत बहुत अच्छे थे, मतलब वो एक पूरा दौर बहुत अच्छा था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी, मेरे को आज भी याद है मेरी प्राइमरी हेड टीचर मैडम गुरमीत कौर, आई वॉज ऑफ 8 ईयर्स जब मैंने अपना पहला नाटक लिखा था वतन के लिए, और वो नाटक इतना मशहूर हुआ उस मैडम, उन मैडम की वजह से फिर वहाँ से लिखना शुरू किया, फिर वहाँ से रुके नहीं। आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किए, स्टेज शोज कहाँ कहाँ किए? जहाँ तक बात स्टेज की है तो काउंटेबल नहीं है, मतलब मैं काफ़ी कर चुका हूँ, मैं काफ़ी कर चुका हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक सब स्टेज कर चुका हूँ। अच्छा अनिल जी, आपने जब ये लिखना शुरू किया तो आपको शुरुआत में कहीं सपोर्ट मिला या कोई क्रिटिक मिला आपके खिलाफ जिसने पसंद ना किया हो या आपको मना किया हो कि ये काम नहीं करना है, या किसी ने सपोर्ट किया हो? मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैंने बहुत छोटे होते लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके पास एक लिबर्टी होती है। हाँ। कि कोई भी क्रिटिसाइज करते हुए ना सोचे यार छोटा बच्चा कर ले, कल थोड़ा ना करेगा। हाँ। तो मैं 7-8 साल की उम्र में मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं, तो मुझे पता था क्या होता था और ना ही किसी ने किया। उसके बाद स्कूल में प्रेयर होती थी, वहाँ पे मैं कुछ भी बोल देता था। शनिवार को बाल सभा होती थी, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बोलता था, तो मेरे टीचर्स ने बहुत सराहा, वो एक स्पोर्ट है। दूसरी जो स्पोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण रही मेरे परिवार में, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, वो खुद भी कभी थोड़ा बहुत लिखते रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कभी डिमोरलाइज नहीं किया। अच्छा। वो मेरी बहन मेरी फर्स्ट लिसनर होते हैं मेरी किसी भी कविता के, पहले शुरू होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, मुझे एक तो आपके बारे में अचीवमेंट पता चल गई कि आपको हरियाणा गौरव सम्मान मिला, तो इसके अलावा भी कुछ और अचीवमेंट्स हैं आप? देखिए, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने मान सम्मान दिया है जी, हरियाणा गौरव पुरस्कार मिला, यंग इंडिया अचीवर मिला, यूथ आइकन ऑफ इंडिया मिला, साहित्य परिषद ने सम्मानित किया, बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया, निफा ने सम्मानित किया, दिल्ली की एक संस्था ने सम्मानित किया, अनगिनत हैं ये भी आपकी कविताओं की तरह। हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट हाँ ये मान सम्मान जो भी होता है ये आप एक हौसला देता आगे बढ़ने का, काम करने का। एक चीज़ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं जानना चाहता हूँ, आप जैसे कविता कर रहे हैं, बहुत सारी अब लिखते हैं, स्टेज पर शोज करते हैं, पुरस्कार भी जीते हैं, तो
पिछले 5 सालों में आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? देखिए, पिछले 5 सालों में लोग जानने लगे, पहले मेरा दायरा छोटा था, अब लोग एक बड़े दायरे में जाने लगे। इसके दो कारण रहे, एक तो एक आर्टिस्ट के तौर पे मैंने खुद ग्रो किया, दूसरा जो सोशल मीडिया रहा है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ बैठे हुए मुझे नेपाल के लोग पसंद करते हैं, यहाँ बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया में कुछ साथी वो पसंद करते हैं। मेरी एक कविता थी, माँ स्कूल नहीं जाऊँगी, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक लेडी था, उनका व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेज आया, उन्होंने नंबर लिया, उन्होंने बात की, तो ये एक्सपोजर हो गया 5 साल में। दूसरा, मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना ख़राब लिखता था। अपार्ट फ्रॉम पोइट्री कुछ और पैशन है आपका लाइफ में? पढ़ाना। पढ़ाना? मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि लाइफ को पढ़ाया जाए। आने वाला समय है, देश को आतंकवाद से खतरा नहीं है, देश को खराब शिक्षकों से खतरा है। अच्छा, इसके बाद आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? लोगों को कविताएँ सुनाऊँ, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो लोग मुझे कवि के तौर पर याद करें। देखिए, कोई भी देश अपने नागरिकों से बड़ा होता है, और कोई भी कवि है अपने श्रोताओं की संख्या से, उनकी क्वालिटी से बड़ा होता है। मैं चाहता हूँ कि 2 चाहने वाले 4 चाहने वाले और जुड़े जीवन में, उनको अच्छी चीज़ें मैं सुना पाऊँ। देखिए, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, मोहब्बत की कविताएँ लिखता हूँ। मेरे कॉलेज टाइम में अगर मैं कुछ टाइम मशहूर हुआ, कुछ लोगों ने प्यार दिया, तो शायद वो मेरी वो कविताएँ थी कि तेरे जाने के बाद तेरे शहर में रहना मुश्किल हो गया, तेरे बिन हर जर्रा इस शहर मेरा कातिल हो गया। तो उन सब चीज़ों ने मेरे को बढ़ाया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि समाज की वो सब बात कह पाऊँ जो समाज में गलत है। मैं हरियाणवी में मेरी कविता आई थी जो मैंने किसानों पर लिखी थी, उसके मिलियन व्यूज फेसबुक पे थे। या जैसे मैंने भी आपको जिक्र किया था, माँ स्कूल नहीं जाऊँगी, अभी मेरी कविता थी जो मैंने मीडिया के ऊपर लिखे थे, जिसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए थे कि माँ मुझे माफ़ कर, मैं पत्रकार। देखिए, वो कुछ जगह हो भी सकता है, लेकिन हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। डेफिनेटली, कहीं ज़्यादा कहीं कम। हाँ, देखिए, मैं तभी कह रहा हूँ कि ये बैलेंस तो है, किंतु जब बैलेंस बिगड़ता है, अब चाहे वो नेचर हो चाहे वो सोसाइटी हो, तो आवाज़ें आती हैं। तो इस समय देश में एक बैलेंस बिगड़ा हुआ है। पहला और अंतिम गुण पोइट्री का ये है कि आप कुछ भी लिखिए, आप रोमांस लिखिए, आप विरह लिखिए, आप सुंदरता लिखिए, आप हास्य लिखिए, किंतु वो लिखिए अगर आपकी बाप और बहन दोनों बैठ के देख रहे हो, तो किसी एक को उठ के ना जाना पड़े। अच्छा अनिल जी, आपने मुझे बताया कि आपकी एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आए थे, यानी कि लाखों लोगों ने आपको सुना, आप किन्हें सुनना पसंद करते हैं? मैंने बहुत लोगों को सुना और पढ़ा। सबसे पहले मैंने पंडित लक्ष्मीचंद की पोइट्री को सुना। अच्छा। पंडित मांगेराम हरियाणवी एक पोइट रहे हैं, मैंने उनको सुना। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी पोइट्री लर्नर को पंडित लक्ष्मीचंद सुनना बहुत जरूरी है। अदम गोंडली साहब, हरिवंश राय बच्चन साहब, हाल में डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे फेवरेट्स में से एक हैं। सक्सेस और लर्निंग, लर्निंग योर सेल्फ बिलीफ, किस चीज़ में विश्वास रखते हैं आप? खुद में। डिफाइन योर सेल्फ इन 1 लाइन। अनिल। इन 1 लाइन? 1 वर्ड, अनिल। ठीक है। और आप जिंदगी को कैसे मापते हैं, जिंदगी क्या है? आपका सोसाइटी में कितना योगदान है। एंड हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर? फेलियर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, वो लर्निंग होती है। अच्छा, ठीक। और कुछ मेंटल बैरियर्स होते हैं हमें बिना वजह के, उन्हें कैसे रिमूव किया जाए? अच्छे लोगों के पास बैठिए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों को पढ़िए। अनिल जी, मुझे ये बताएं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेस? कंटेंट, लाइफ में आपकी कंटेंट होना चाहिए। लेखन में नहीं, किसी भी फील्ड में जाइए, आपके पास अपना कंटेंट जरूर होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, चाहे आप कसाई हो, चाहे आप गार्डनर हो, चाहे आप IAS हो, चाहे अपना स्किल, अपना एक कंटेंट जरूर होना चाहिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात आपके पास है, आपके पास फिर हौसले होने चाहिए। तीसरी, नकारात्मक लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, उनको दूर करने का हुनर होना चाहिए। और आखिरी बात, सेल्फ बिलीफ आपके पास। सेल्फ बिलीफ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो इसी के साथ हम इसको कार्यक्रम को फिनिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करें।
और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते रहें और उन्हें कुछ सिखाते रहें। थैंक्स मोहित। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वी मेट मिस्टर अनिल सिंघानिया टुडे हु इंस्पायर्ड अस विद हिज पोएम्स एंड ड्रामेटिक स्टोरीज हाउ ही ग्रू अप इन हिज लाइफ एंड सक्सीडेड टू अ वेरी हाई लेवल इन द फील्ड ऑफ पोएट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इंस्पायर होंगे इनकी बातों से, इनकी पोएट्री से, इनकी कविताओं से, इनकी सोच से, जो कि एक देश को बदल देने वाली सोच है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप इन्हें और सुनें, इनकी बातें समझें और आगे तरक्की करें। धन्यवाद।